तो हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले काम रहेगा कि हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। टिपेन तुम ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मेट करते कैसे हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पे मेंशन करेंगे बेटा पर्टिकुलर्स, देन ऑफ कोर्स हम यहां पर मेंशन करेंगे नोट नंबर जिसकी कोई यूज नहीं है फिलहाल। तो देन सबसे पहले कौन सा ईयर रिकॉर्ड करते हैं, प्रीवियस ईयर, ओके। देन बेटा उसके बाद करेंट ईयर, देन उसके बाद क्या निकालते हैं भाई, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद लास्ट में क्या निकालते हैं। चलो भाई आप लोग ने बोला तो आप लोग की बात मान लेते हैं, एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, ठीक है। प्रीवियस ईयर को ए एज्यूम किया, करंट ईयर को बी एज्यूम किया, एब्सोल्यूट चेंज सी, और सी आता कैसे, बी माइनस ए करके, और बेटा एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज डी होता है, और डी को कैसे निकालते हैं भाई, सी अपॉन ए इंटू 100। डिपेंड, ये नोट करते जाना बेटा। अब सबसे पहली चीज हम यहां पे क्या मेंशन करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले जरा प्रीवियस ईयर है कौन सा भाई, 2016-17, ओके, और बेटा करेंट ईयर कौन सा, 2017-18, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज, ठीक है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीस प्रीवियस ईयर का है और 15 लाख रुपीस करेंट ईयर का है। बेटा प्रीवियस ईयर का वैल्यू लिखा हमने 10 लाख रुपीस, करेंट ईयर की वैल्यू कितनी थी भाई, 15 लाख, हमने लिख दिया करेंट ईयर में 15 लाख, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज अदर इनकम का ब्रैकेट में क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है बेटा कि लेट सपोज अगर मैं प्रीवियस ईयर में देखूं 2016-17 में, तो अदर इनकम कितना है 50%, तो बेटा ये 50% किस वैल्यू का निकालेंगे, सारे बच्चे बताएं। अदर इनकम ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 50% ऑफ किसका, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मींस 10 लाख रुपीज का, ओके बेटा हमने यहां लिखा अदर इनकम और 50% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी 5 लाख रुपए, ठीक है, और बेटा करेंट ईयर में कितना है 60%, तो 15 6 90, यानी 9 लाख रुपीज। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, फिर से दीपेंद्र तुमको समझ में आया, ठीक है। पीयूष ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, अदर इनकम ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी अदर इनकम आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सर्टेन परसेंटेज है। तो करेंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 15 लाख और उसका अदर इनकम कितना होगा, 60% होगा, तो बेटा 15 लाख का 60% कितना होता है, 9 लाख रुपीज, बात समझे। और सेम एज प्रीवियस ईयर का आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख था और अदर इनकम उसका 50%, यानी 5 लाख रुपए हो गया, अभी क्लियर है, ओके। एम्प्लॉय, अच्छा उससे पहले तो जरा हम टोटल कर लेते हैं, तो और इनकम में कुछ हमारे पास है नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम, तो भाई ये हमारी हो गई 15 लाख रुपीज, ये हमारा हो गया 24 लाख रुपीज, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं हमारे एक्सपेंस का पोर्शन, एक ही एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, हमने यहां पहले उसका नाम लिख दिया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम, टोटल इनकम, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो बेटा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस टोटल इनकम का कितना है, प्रीवियस ईयर में 30% करेंट ईयर में 40%, ओके। तो बेटा प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम कितना है हमारे पास, 15 लाख, 15 लाख का 30% इज 4,50,000, और बेटा करेंट ईयर में कितना है 40%, तो करेंट ईयर की टोटल इनकम कितनी है, और इसका 40% यानी 4,24,9,60,000। क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आया, अच्छा अब तो बाकी इंफॉर्मेशन तो कुछ गिवन नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल एक्सपेंस लिख लेंगे, क्योंकि एक्सपेंस में यही पोर्शन हमारे पास है, तो यही एक्सपेंस हमारा क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस में एक ही आइटम था, 4,50,000 और 9,60,000। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, हम निकालते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकलेगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। दीपेंद्र ये बात समझ में आई? अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, अच्छा फिर से एक बार देखो, हमें निकाल एक बात बताओ बेटा, अगर हमें निकालना हो प्रॉफिट तो हम यही करते हैं ना, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझे दीपेंद्र? दीपेंद्र क्लियर है बात? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब एक बात बताओ दीपेंद्र, तुम ही जवाब दोगे बेटा। देखो 2016-17 में हमारे पास टोटल इनकम कितनी है बेटा? नहीं बेटा, टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख। और बेटा टोटल एक्सपेंस कितना है बच्चा? 4,50,000। तो 15 लाख माइनस 4,50,000, दिस विल बिकम हाउ मच? 10,50,000। ठीक है, सेम एज बेटा करंट ईयर में टोटल इनकम वाज 24 लाख रुपीस, टोटल एक्सपेंस 9,60,000। माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी भाई? 14,40,000। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके ओके, अब हम जरा देखते बेटा हमारा टैक्स कितना है। हमारे पास टैक्स कितना गिवन है बेटा? 40%। बेटा एक बात बताओ, टैक्स जो 40% है वो किस वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट का। ठीक है, और बेटा हमारा प्रॉफिट आया कितना? 10,50,000 और 14,40,000। इसका 40% बताओ कितना आएगा? किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया है? और इसका बताओ करेंट ईयर का? 1 लाख? नहीं बेटा, 5 लाख। बिल्कुल ठीक है, 5,76,000। अच्छा डिपेंड, तुमको ये समझ में आया टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है? दीपेंद्र बच्चा क्लियर हुआ टैक्स कैसे आया? सुनो तो पूछो बेटा, देखो टैक्स कितना रेट है? 40%। तो बेटा टैक्स हमेशा किस वैल्यू का निकालते हैं? जो हमारा प्रॉफिट आया होता है। तो क्योंकि टैक्स हमें किस पे देना होता है बेटा? प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया? 10,50,000, उसका 40%। 14,40,000, उसका 40%। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे देखिए बेटा, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता था? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो बेटा करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख, करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। कितने का चेंज आया? 5 लाख रुपए का। फिर बेटा उसके बाद अदर इनकम का, करंट ईयर कितना था? 9 लाख, प्रीवियस ईयर है 5 लाख। तो कितने का चेंज आया? 4 लाख। फिर बेटा सेम एज टोटल इनकम, 24 और 15, कितने का चेंज आया? 9 लाख। ओके फिर ये कितने का आएगा भाई? 450, 550, 5 लाख, 10,000। फिर बेटा 14,40,000 - 10,50, ये कितना आएगा? 10,50, 4,390 आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। अब ये बताओ ये कैलकुलेशन मैंने सही की है? बच्चा लोग ठीक है? अब बेटा बात, अच्छा दीपेंद्र तुमको समझ में आया? अच्छा अब बात करेंगे बेटा एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए इंटू 100। सी मतलब जितना चेंज आया, यानी 5 लाख
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 लाख इंटू 100। बेटा इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, हर एक आइटम को हम क्या करेंगे, सी डिवाइड बाय ए इंटू 100 करेंगे। समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों का हो गया है? बच्चा पार्टी सबका ये क्वेश्चन हो गया? क्या बेटा फिर से एक बार पूछो। हाँ वो हमें निकालना था, यहां पे माइनस करके फिर यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बताओ ये क्वेश्चन सारे बच्चों से हो जाएगा? ओके अब बेटा बात करते हैं जरा हम क्वेश्चन नंबर 15। क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो, सारा कुछ सिंपल है। इसका जरा थर्ड पॉइंट देखो, एक्सपेंस लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो बेटा ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। क्या इस क्वेश्चन को खुद से करोगे? ओके ओके 4 मिनट्स दीपेंद्र, हो जाएगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल ट्राई तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 मिनट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, थ्री मिनट्स लेफ्ट, हरी अप। टू मिनट्स लेफ्ट, स्पीड बढ़ाओ बेटा स्पीड। किसी बच्चे का आंसर आया? वन मिनट, दीपेंद्र सॉल्व हो रहा है। यश तुमसे तो हो जा रहा होगा। देशांत ये नहीं हो रहा है।
चलो क्या लगता है इस क्वेश्चन को मैं कराऊं? बोलो बेटा कराऊं? चलो भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार। सबसे पहले तो एक बार वापस वही पुराना रीति रिवाज, हम एक बार पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट रहा पर्टिकुलर्स, देन ऑफ कोर्स यहां पर आएगा हमारा नोट नंबर, देन हमारा यहां पर आएगा सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर, फिर हमारे यहां पर आएगा बच्चों करेंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज और लास्ट में एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले अच्छा प्रीवियस ईयर 2019 है, करंट ईयर 2020 है, तो 2019 2020 सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या है, मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक करते जाना बेटा आप लोग ने कितना सही किया है कितना गलत किया है। सो 20 लाख 30 लाख बिल्कुल ठीक जवाब है आप लोग का। ओके उसके बाद बेटा अदर इनकम क्या है, 12% और 20% है। तो पहले हम यहाँ पे अदर इनकम लिखते हैं। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में कितना बेटा 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली राजा बिल्कुल सही जवाब बेटा 4 लाख रुपए आएगा और इसका कितना है 12%, तो यानी 3,60,000 आएगा। फिर बेटा और कुछ तो गिवन नहीं इनकम से रिलेटेड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आती है बेटा, हम इनकम को क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं, तो 24 लाख और 33,60,000। फिर बेटा हमारे पास एक्सपेंस गिवन है 70% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 60% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो हमने लिखा यहां पर अदर एक्सपेंस। और बेटा ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो प्रीवियस ईयर का 60%, तो प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख, उसका 60% कितना होता है 12 लाख रुपए। और प्रीवियस ईयर में करेंट ईयर में बेटा कितना परसेंट है 70%, तो 30 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसका 70% यानी 21 लाख रुपीज। ठीक है, और यही बेटा और कुछ तो एक्सपेंस में गिवन नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा टोटल एक्सपेंस, जो कि हमारा कितना आ जाएगा बेटा 12 लाख रुपए और ये आ जाएगा 21 लाख रुपीज। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बेटा क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकलेगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो बेटा टोटल इनकम 24 लाख रुपए, टोटल एक्सपेंस 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 लाख रुपीज। और बेटा 33,60,000 में से 21 लाख रुपीज माइनस किया, ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा आपका 12,60,000। और बेटा टैक्स कितना है 40% दोनों का, तो लेस टैक्स एट द रेट 40%, तो इसका 4,80,000 और इसका 6,424,05,04,000। क्या सब बच्चों ने यही किया बेटा? बोलो बच्चों सब बच्चों ने यही किया है। दीपेंद्र तुम्हारा कहां तक सही हुआ बेटा? दीपेंद्र कहां तक सही किया बेटा? अच्छा टोटल एक्सपेंसेस यार अब ये बताओ मैंने जो किया वो समझ में आ गया? अच्छा अब जरा हम एब्सोल्यूट परसेंट एब्सोल्यूट चेंज देख लेते हैं बेटा। तो 30 लाख माइनस 20 लाख कितना आ गया 10 लाख। फिर बेटा 3,60,000 माइनस 4 लाख, तो ये माइनस का 40,000 आएगा जिसको ब्रैकेट में शो करेंगे। फिर 33,60,000 माइनस 24 ये आ जाएगा आपका 9,60,000। फिर बेटा 21 माइनस 12 ये आ जाएगा आपका 9 लाख। फिर 21 माइनस 12 ऑब्वियसली सेम रहेगा 9 लाख। फिर दिस माइनस दिस 60, then this plus this, this minus this, ये हो जाएगा 24, और फिर 756 minus 620, ये कितना आ जाएगा 1,36,000। क्या सारे बच्चों को यहां तक सही है? बाकी बच्चों का
कहां पे बेटा, कहां पे? हाँ, ये कितना आ रहा है? रुको, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने? ये नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई है बताओ बेटा। सेवन लाख बेटा, ये 5,04,000 है, तुमने 540 तो नहीं लिख दिया? रुको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12,60,000 का 40%, एक सेकेंड रुको रुको रुको। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। कितना आएगा? 7 लाख। हाँ क्योंकि ये, हाँ 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 अच्छा रुको एक सेकेंड। ये कितना आ रहा था आपका? 756, और ये आएगा 7,20,000। ठीक है चलो, अब बेटा जल्दी से बाकी एब्सोल्यूट परसेंटेज से निकाल लो, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से जल्दी से, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं आप लोग को। दीपेंद्र अभी समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है भाई, सारे बच्चों का हो गया? ओके अब हम आते हैं बेटा जरा। अच्छा जरा नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस लिखे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क है बेटा, एंड क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 16, 16, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20 मैं आप लोग को फिर भी लिख देता हूँ, क्योंकि तुम लोग फिर चालू आदमी हो, फिर बोलते हो मुझे तो याद ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 16, 18, 20, 3 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा आपके लिए। जैसे सारे बच्चों ने आज करके भेजा, वैसे ही नेक्स्ट टाइम भी करके भेजेंगे, एक्सेप्ट पीयूष, पीयूष को छोड़ के बाकी सारे बच्चों ने भेजा। पीयूष कैसे चले, कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? मेरे पास अभी तक आया नहीं बेटा तुम्हारा होमवर्क, आ जाना चाहिए ना बेटा, है ना? हाँ तुम्हें पता ना, कभी कभी ऐसे गुस्सा होता नहीं, आदत ही नहीं मेरी, पता ही बात, कभी गुस्सा नहीं होता बेटा, कभी किसी को नहीं डांटता, कभी किसी को नहीं मारता, पुरानी आदत है मेरी, वो समझ गया होगा बेटा। जरा सारे बच्चे बेटा ये एक फॉर्मेट के फॉर्मेट नोट करें सबसे पहले। हाँ नया फॉर्मेट है, नया हेडिंग डालेंगे। जल्दी से नोट करो उसको।
जैसे नोट करना मुझे बता देना एक बार। डन, शाबाश, ओके। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना जरा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर आप लोग एक छोटी छोटी सी चीज नोटिस करो बेटा, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम लगेंगी। मतलब पर्टिकुलर हमने लिखा है, नोट नंबर लिखा है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज। क्या ये एग्जैक्ट सेम है जैसा कि हमने कंपैरेटिव पीएनएल में समझा था? क्यों बच्चों, एग्जैक्टली सेम है ना? ओके, बस फर्क ये था बेटा कि वहां पर कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट होता था, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते थे, और बेटा यहां पर कंपैरिजन हमें किसका करना है, बैलेंस शीट का। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छी सी चीज बताता हूँ। बैलेंस शीट वाले केस में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर्स में दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन मेंशन है एज इट इज, आप वही क्वेश्चन मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोग को? ओके बेटा, पर्टिकुलर्स का कॉलम दिख रहा है आप लोग को, क्या क्या लिखा है? तो मतलब बेटा आपको पूरा पर्टिकुलर्स का कॉलम ऐसे ही क्या करना है, एज इट इज कॉपी कर देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है जरा वो समझना। मैं आप लोग को पहला क्वेश्चन का पर्टिकुलर्स बताता हूँ कैसे करना है। हमने यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स बेटा, अब पर्टिकुलर्स में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है एज इट इज आपको कॉपी करनी है। जैसे पहला पॉइंट शेयर होल्डर फंड्स, और उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हमने लिखा शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर पहला पॉइंट क्या था बेटा, शेयर कैपिटल, और दूसरा पॉइंट क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर बेटा एज इट इज हमने सेकेंड हेडिंग डाली नॉन करेंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर बेटा कुछ हेडिंग दे रखा है, सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, हमने ये लिख लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर बेटा इसी तरीके से करेंट लाइबिलिटी हमने लिख दिया, उसके अंदर क्या है, ट्रेड पेबल है। क्या है, ट्रेड पेबल। अब बेटा आपको करना क्या है, अब एक बात बताओ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का डेटा रिकॉर्ड करेंगे या करेंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड करेंगे? प्रीवियस ईयर। तो बेटा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी आइटम्स है सबका प्रीवियस ईयर का डेटा नोट कर लिया, फिर करेंट ईयर का डेटा नोट कर लिया, और हर एक आइटम का शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, रिजर्व एंड सरप्लस का एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज। उसी तरीके से बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, ऐसे करके बेटा हर एक इंडिविजुअल आइटम का हम एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं सबको? ओके, दीपे क्या नाम है, ये नहीं, दिशांत, राजा। ओके ठीक है, यश क्लियर होगा? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले 5 मिनट मैं देता हूं, आप लोग अपनी तरफ से अटेम्प्ट करो, नहीं कर पाए तो फिर मैं बताऊंगा। शुरू करें जरा, एंड उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। शुरू करो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, पहले 5 मिनट आपके दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा।
जल्दी करेंगे बच्चे। किसी को कोई डाउट? जल्दी बच्चों जल्दी। लास्ट 2 मिनट्स, अरे यार मैं बताऊं। मैं बताऊं बेटा, डिपेंड बताऊं, चलो बच्चा लोग अब आप लोग जरा देखेंगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? देखते जाना। सबसे पहले रीति रिवाज के हिसाब से हम वापस से पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट नोट कर लेंगे। मेरे हिसाब से उससे पहले मुझे इंक भी चेंज कर लेनी चाहिए। तो ये रहा, बहुत ही बुरी सी लाइन बनी है, हम इसको वापस से प्रिपेयर करते हैं बेटर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली पर्टिकुलर सा आएगा, उसके बाद यहाँ पे नोट नंबर, देन यहाँ पे ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर, देन यहाँ पे करेंट ईयर, देन यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, मेरे साथ साथ आप देखते जाना। सबसे पहले क्वेश्चन जैसा है लिखा बेटा, एज इट इज कॉपी कर लो। तो पहले तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा है, ठीक है? हमने यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी मेंशन किया। उसके बाद बेटा पहला पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? शेयर कैपिटल की वैल्यू 10 लाख 15 लाख, 10 लाख 15 लाख, फिर बेटा 10 लाख 10 लाख, ओके। फिर बेटा हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी दे रखा है, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग,
कितना कितना 2 लाख 8 लाख, फिर बेटा हमें करंट लायबिलिटी दे रखा है, करंट जिसके अंदर पॉइंट है ट्रेड पेपर, ट्रेड पेपर कितना है 3 लाख 5 लाख, और उसके बाद फिर टोटल। टोटल की दूसरी लाइन तो कुछ खास अच्छी बन गई है। फिर हमें एसेट के अंदर बेटा नॉन करेंट, मैं आप लोग को लाइबिलिटी बता रहा हूँ, एसेट आप लोग खुद से कर लेना। तो बेटा देखो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चेंज सबसे पहले इसका निकालेंगे, कितने का आया 5 लाख का, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें आया 6 लाख रुपीज का, और इसमें आया बेटा आपका 2 लाख रुपीज का। फिर इसी तरीके से टोटल कितना आया बेटा 10, 20, 25 लाख, और ये आएगा आपका 25, 30, 38 लाख, और ये आया 13 लाख। ओके फिर अब बेटा एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, दैट मींस 50%, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 6 लाख अपॉन 2 लाख ये आ जाएगा 300%, देन बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख ये आ जाएगा आपका 150%। क्या सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया? ओके ओके सारे बच्चों को समझ में आया, दीपेंद्र समझ में आ गया? ओके सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके तो बेटा इसमें भी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, कौन कौन सा क्वेश्चन बोला आप लोग को करने के लिए, 5 और 6। तो देखो बेटा टोटल कितने क्वेश्चन होमवर्क के हो गए, 5 क्वेश्चन। अब ये मत बोलना सर ये तो इस बार ज्यादा हो गया। बेटा ज्यादा इसलिए कल की छुट्टी, फिर मंडे क्लास नहीं होनी, फिर सीधा हम ट्यूजडे मिलेंगे, तो 2 दिन में 5 क्वेश्चन सारे बच्चे कर सकते हैं बेटा, करना पड़ेगा।